हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर CISF। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मेरा जो पेपर 2 का ऑनलाइन बैच कोर्स जो शुरू होने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर। ये बैच कल से शुरू हो जाएगा, कल सुबह 8 बजे इसका पहला सेशन है अनअकैडमी के ऊपर। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये लर्नर्स ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये 1.5 मंथ का पेपर 2 का स्पेशल कोर्स है, जो आपको पेपर 2, जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का पेपर 2 है, जो 200 मार्क्स का पेपर है, उसको 80 मार्क्स कम से कम लाने में, क्लियर करने में मदद करेगा। सो आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स। सो माई इंट्रोडक्शन, आई एम डॉक्टर प्रशांत जगताप। आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू UPSC CAPF 2012 एग्जामिनेशन। आई हैव ऑल्सो रिटन टू बुक्स आई हैव ऑल्सो रिटन टू थ्री बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रा हिल पब्लिकेशन। दिस बुक इज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज सॉल्व बुक है ये। अब तक जितने CAPF के एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें ये सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करके दिए हुए हैं, और इसमें 5 प्रैक्टिस पेपर्स भी है। दिस बुक इज स्पेशल बुक फॉर पेपर 2। ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बुक है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके प्रशांत जगताप सर्च करेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगा। प्रशांत जगताप सर्च करेंगे तो ये बुक मिल जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस पेपर 2 के भी सॉल्व है। 2013 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे, और जो एसेज आए हैं, आर्ग्यूमेंट आया है, रिपोर्ट आया है, प्रेसी आया है, ग्रामर, इसमें पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया है। माई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज MBBS एंड MA साइकोलॉजी। आई प्रीवियसली ऑल्सो वर्क एज मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए क्लास 1 गैजेटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल महाराष्ट्र, एंड आई हैव ऑल्सो वर्क एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर। यस, और जैसे कि आप देख सकते हो मैं आज ब्लड डोनेशन करके भी आया हूँ। जैसे कि आप जानते हो पुणे में और दिल्ली में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हो चुका है, इसके चलते हमारे सभी बैचेस अभी फिलहाल बंद है। सो ये टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपील किया गया था पुणे में कि ब्लड अभी सभी लोगों में पैनिक है, तो इसीलिए कभी ब्लड डोनेशन करने के लिए जा नहीं रहा है। एक्चुअली ब्लड डोनेशन करने से कभी भी हेल्दी आदमी को कोरोना वायरस होने का चांस नहीं है। कोरोना वायरस ब्लड के थ्रू नहीं फैलता है, और जो ब्लड बैंक्स रहते हैं वो हॉस्पिटल से आइसोलेटेड रहते हैं, तो ब्लड बैंक में जाने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। तो इसको मैसेज को लेने के लिए जो ज़रूरत था ब्लड, इसके लिए मैं आज ब्लड डोनेशन भी करके आ चुका हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। दिस इज माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बुक, यू कैन बाई इट ऑन अमेजोन। आपको अमेजोन पे प्रशांत जगताप सर्च करना है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। दिस बुक इज फॉर पेपर 2, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये पेपर 2 का जो बुक है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल स्टडीज, ये पेपर 2 का बुक है। प्रशांत जगताप सर्च करना पड़ेगा। और ये कंपेंडियम है, इंग्लिश में है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब कुछ एक ही बुक में अवेलेबल है। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। ये CISF है मेरा कोर्स, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट। 2020 में जनवरी में, 26 जनवरी का जो परेड हुआ था, इसमें इसको बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अवार्ड मिला था। सो पेपर 2, जैसे कि आप जानते हो CAPF 2020 एग्जामिनेशन 9th ऑफ अगस्त को है इस बार, तो अभी 5 महीना बचा है इसके लिए। अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है, एग्जाम पैटर्न आप जानते हो, देर इज रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 2 फेजेस में लिया जाएगा, 2 पार्ट में लिया जाएगा। पेपर 1 जो है, जिसका नाम है जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, ये 250 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस रहेगा, और जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहेगा। और पेपर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको आंसर्स इसके लिखने हैं। तो ये जो है, इसका नाम यूपीएससी ने दिया है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। कहीं पे भी यूपीएससी ने इसको इंग्लिश का पेपर नहीं बोला। इसमें इंग्लिश जो आता है 200 मार्क्स में से, इसमें इंग्लिश जो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 25 मार्क के क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। बाकी पूरा पेपर जनरल स्टडीज एसे और कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसके बारे में मैं कल बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ 17 मार्च से, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है, इसमें 30 सेशन है, जिसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। सो पेपर 2 का सिलेबस आप जैसे जानते हो जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, 180 मिनट्स का, 9th अगस्त को है, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक। और इसका जो एसे है, निबंध है, या आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो। और जो बाकी बचा हुआ कॉम्पोनेंट है 120 मार्क का, एसे जो है सिर्फ 80 मार्क्स के है, और बाकी बचा हुआ कॉम्पोनेंट जो है जिसमें आर्ग्यूमेंट आएंगे, रिपोर्ट आएंगे, प्रेसी राइटिंग आएगा, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इसीलिए मेरा जो कोर्स है बाइलिंगुअल चलेगा, मैं हिंदी में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, इंग्लिश में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। इसका पार्ट ए जो है, ये ऐसे क्वेश्चन है हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, 80 मार्क्स के है। पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन स्किल्स।
कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक पैसेज दिया रहता है जिसके नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के एक आंसर को 4 मार्क्स है। और इसका दूसरा वाला पार्ट है प्रेसी राइटिंग, आपको एक पैसेज दिया रहेगा जिसको श्रिंक करके रिड्यूस करके आपको 1/3 में लिखना है अपने वर्ड्स में, उसको एक टेबल दिया रहेगा वो टेबल में लिखना है, इसके लिए 15 मार्क्स है। आपको 2 आर्ग्यूमेंट कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखना, उसको 40 मार्क है। और आपको 2 रिपोर्ट लिखना कंपलसरी है जिसको 20 मार्क्स है। मैं मेरे कोर्स में, ये क्रैश कोर्स में, 1.5 मंथ में आपको पूरा का पूरा पेपर 2 का तैयारी करवाऊंगा और आपको 80+ मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 200। अंडरस्टैंड दिस, मोर देन 90% लोग ये पेपर 2 में फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं मतलब 50 से कम मार्क लेके आता है, 50 से भी कम मार्क लेके आता है, 50 से कम मार्क, 50 मार्क्स इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पेपर 2। अगर 50 से कम मार्क्स ला रहे हो, आप फेल हो गए हो, आपको चेक नहीं किया जाता पेपर 2, और आपके मार्क्स काउंट भी नहीं होंगे। आप पेपर 1 में टॉपर ही क्यों ना हो, अगर पेपर 2 में 50 मार्क्स नहीं है तो आपकी आपको पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इसके लिए जो बुक लिस्ट है, इसके बारे में मैं कल जो सुबह 8 बजे पहला वाला सेशन होगा उसमें डिटेल में बताऊंगा। पॉलिटिकल थ्योरी है एनसीईआरटी 11 का, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 12th का एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनसीईआरटी 12th का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर ये एनसीईआरटीज आपको पेपर 2 सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर कोर्स लॉन्च आप कोर्स में ज्वाइन नहीं भी करते हो या मेरे ऑफलाइन कोर्स में हो, तो मेरा ऑफलाइन कोर्स अभी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है दिल्ली में, आप उसमें भी आके ज्वाइन हो सकते हो। सोशियोलॉजी एनसीईआरटी 12th का, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज, 2 एनसीईआरटीज है। इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार सर, 11th का एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व करने के लिए, ऐसे सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। कोई भी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जिसमें इश्यूज हो, और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, इसमें आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आईएस बाबा पढ़ सकते हो, विजन आईएस पढ़ सकते हो, इनसाइट पढ़ सकते हो, कोई भी एक करंट अफेयर्स जिसमें इश्यूज हो वो पढ़ सकते हो। और अगर हिंदी मीडियम से हो तो दृष्टि आईएएस का करंट इश्यूज का मंथली मैगजीन बहुत ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको ऐसे जाते हैं, 4 लिखने हैं 6 में से, इसके लिए 80 मार्क्स है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट आपको कंपलसरी है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखना कंपलसरी है, रिपोर्ट लिखना कंपलसरी है, 200 वर्ड्स का 2 रिपोर्ट कंपलसरी है इंग्लिश में, प्रेसी आपको लिखना है, एक पैसेज है उसके आंसर लिखने हैं, और ग्रामर है आपका 25 मार्क्स का। सो इसमें ऐसे का यही सेम फॉर्मेट मैंने बता दिया फिर से, 2017 के क्वेश्चन से इसमें नीड फॉर कॉमन सिविल कोड या करंट इश्यूज से आया था। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो इशू मेरे क्लास में डिस्कस करता हूँ, लगभग 6 में से कम से कम 4 ऐसे हमारे क्लास में से ही आएंगे, क्योंकि ये करंट इशू बेस्ड है, करंट फैक्ट्स या इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन उस टाइम 2017 में न्यूज में था, इंडिया वर्सेज चाइना, ये इकोनॉमिक इशू है, इकोनॉमिक इशू को कैसे हैंडल करना ये मैं सिखाता हूँ। कैशलेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक इशू है, नीड फॉर कॉमन सिविल कोड ये पॉलिटिकल इशू है, आर्टिकल 44 है डीपीएसपी में, उसका इशू है। थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड इज एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे है। क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग रिवर्स इन इंडिया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीनिंग, उसके दोनों के बारे में है। द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये 2017 के न्यूज वाले इशू है। 2019 के देखेंगे लास्ट ईयर, तो उसमें है अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। उसके बाद द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये ऐसे के लिए आपको कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग करंट इश्यूज के ऊपर है, डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, और आर्ग्यूमेंट पूछे थे डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, आर्ग्यूमेंट्स में आपको दोनों साइड मेंशन करना पड़ता है, और होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, और रिपोर्ट जो पूछे थे राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज इन इंडिया एंड द वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, लास्ट ईयर आप जैसे जानते हो वाटर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा हो गया था और ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इशू बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, इसके चलते यूपीसी में क्वेश्चन आया है। ये ग्रामर के क्वेश्चन है 2014 के। पेपर 2 में स्कोर लाने के लिए क्या चाहिए, पेपर 2 में लोगों का स्कोर आता क्यों नहीं है, एक तो पेपर 2 में लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में आपका पेपर कवर ही नहीं होता, लोग लिख के आते, एवरेज पेपर 2 का अटेम्प्ट है 150 आउट ऑफ 200, अगर 50 मार्क का आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर गए हो, अंडरस्टैंड दिस। सो बाहर कॉम्पिटिशन से जा रहे हो तो आपका पेपर कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको चाहिए क्लैरिटी, पेपर 2 में क्या करना है। मेरे कोर्स में मैं यही देता हूँ क्लैरिटी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हो कैसे छोड़ सकते हो।
टाइम मैनेजमेंट, ये 150 मार्क्स का 180 मिनट्स में पेपर, 200 का 200 कैसे अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट 200 आउट ऑफ 200 कैसे करोगे, ये मैं सिखाता हूँ। कंटेंट क्वालिटी के साथ जो पूछा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और जो पूछा है उसको कैसे डिलीवर करें, ये बताऊंगा। प्रैक्टिस सेशन होंगे, काफी सारे थॉट प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको लिखना नहीं सिखाता, लिखना आपको बचपन से आता है, आप स्कूल लेवल से लिखते आ रहे हो। मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, विच इज फार मोर इम्पोर्टेंट। आपको सोचना आ गया तो आपको लिखना अपने आप आएगा, अभी भी सफिशियंट टाइम है। तो मेरे जो पेपर टू के कोर्स में वही सिखाऊंगा। क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, इंफॉर्मेशन दुनिया भर का अवेलेबल है, बुक लिस्ट भी मैंने बता दिया है, सभी करंट अफेयर्स के नोट्स में सब जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो व्हाट आई एम गिविंग यू ट्रांसफॉर्मेशन। माय कोर्सेस आर नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन एट ऑल, माय कोर्सेस आर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ऑफिसर बनना है, आपको क्लास वन गैजेटेड ऑफिसर बनना है, प्रेसिडेंट के नाम से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो आपको उसके लिए डिजर्व करना पड़ेगा। उसके लिए जो चीजें चाहिए, मैं आपको सिर्फ पेपर टू के लिए प्रिपेयर नहीं करता, साइमल्टेनियसली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंटरव्यू, जो यूपीएससी कर रहा था, जो आपको जज करने वाला है, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो दिस कोर्स इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट समझ के दिस अप्रोच टू क्लियर द एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर डाउनलोड करना है, आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसमें, CAPF CDS AppCat। सीक्वेंस अलग हो सकता है, CDS AppCat CAPF का आपका सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 2 महीने का, 2 महीने का डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 मंथ का, वो बाद में आप रिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपको लेना है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ठीक है। जब सब्सक्रिप्शन ले लोगे, पेमेंट क्या पे आओगे, यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10, प्रशांत PRASHANT YT फॉर यूट्यूब 10, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। दिस इज माई रेफरल कोड प्रशांत YT10, इसको लेने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। So this is the life in CAPF. Tomorrow I'm going to start a course. Coronavirus के चलते already बहुत बड़ा problem हो चुका है, सभी जगह पे मेरे offline batches भी postpone हो चुके हैं। अगर आप offline में आना चाहते हो, online का advantage है, आप कहीं पे भी बैठ के सस्ते में पढ़ सकते हो, this course is very cheap. Offline में it will be more expensive, लेकिन offline में one-on-one interaction होगा और offline में मैं evaluate कर पाऊंगा आपका क्या लिख के हुआ है क्या नहीं हुआ है। So आप मेरा offline course भी join कर सकते हो दिल्ली में या फिर पुणे में। डेली में जो कोर्स है मेरा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 16 तारीख को शुरू होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो गया है, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन है उसके चलते पोस्टपोन हो गया है। दिस इज द लाइफ इन CISF, दिस इज द लाइफ इन CAPF, UN पीस कीपिंग फोर्सेस में CAPF, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर में जो लाइफ है, BSF। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपको कैसे आगे कोर्स में ज्वाइन होना है इसके बारे में मैं और बताऊंगा। सो ये कोरोना वायरस है जिसके चलते सभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ सकता है, लेकिन इसका आपके पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, हाथ पैर धोते रहिए, साबुन से धोया तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है हर बार सैनिटाइजर यूज करो, चेहरे पर रुमाल भी ढका तो भी चल जाएगा, इतना बड़ा डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हेल्दी रहो, खाना खाओ, अपना पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कोरोना जब जाएगा तो यूपीएससी बचेगा। तो आज जो लड़ता रहेगा कंटिन्यूअसली, आज जो टाइम पास करेगा उसका कुछ नहीं होगा, आज जो टाइम पास करेगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो आपको जो अगर मेरा कोर्स अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है, ये ऑनलाइन कोर्स है, आपको जाना है unacademy.com के ऊपर। आप या अपने मोबाइल से या फिर आप वेबसाइट से इस पे जा सकते हो, वेबसाइट पे unacademy.com पे जाके आपको CDS AppCat CAPF कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज AppCat CAPF की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, मैं मेरा कोर्स कैसे सर्च करना है बताता हूँ। सर्च में बता दीजिए CAPF पेपर टू ऐसा सर्च कीजिएगा तो मेरा कोर्स, नया वाला जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, आपको मिलेगा CAPF पेपर 2। CAPF पेपर 2 में जाने के बाद ये क्यों आ गया, CAPF पेपर 2 आपको सर्च करना है। जैसे ही आप CAPF पेपर 2 सर्च करोगे आपको नीचे काफी सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, इसमें एजुकेटर्स के नाम वगैरह बहुत कुछ दिखाई देगा। इसमें अनअकैडमी प्लस के ऊपर
कोर्स फॉर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीएपी पेपर टू 17 मार्च से शुरू होने वाला 35 लेसन्स का कोर्स है जो आपको सिलेक्ट करना है। 17 मार्च से शुरू होने वाला सीएपी कोर्स ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीएपी पेपर टू जगता बाय जगता प्रशांत जगन्नाथ। आपको मुझे अनअकैडमी पे सर्च करना है तो आपको सर्च करना है जगता प्रशांत जगन्नाथ। इधर आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर टच करना है तो यहाँ पे आपको 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा। सो अगर आप ये कोर्स 1.5 मंथ का है, इसका टाइम टेबल ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ है, ऐसे है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, प्रीसीरेटिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सो आप इन टाइम काफी एग्जाम से, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर से एग्जाम क्लियर करने से पहले ही आपका पेपर टू क्लियर हो सकता है। तो इसका ये 1.5 मंथ का है तो आप चाहिए तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके 1 महीने का फिर से रिन्यू कर सकते हो, या फिर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो आपको जो 15 मई से लेके 15 जून तक जितने भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट भी इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो इसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1600 रुपीज, मतलब 1600 रुपये इसका फीस लगेगा या फिर 4000 लगेगा। लेकिन मैं आपको जैसे मैंने बताया रेफरल कोड प्रशांत YT10, प्रशांत YT10 ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको ये 10% ऑफ हो जाएगा। सो 1441 मंथ का है और 3600 3 मंथ का है। सो अगर ये एक एक महीने का आपने दो बार ले लिया तो 2880 मतलब 2900 में हो जाएगा, और 3 महीने का लिया तो 3600 में हो जाएगा। अगर आप 6 मंथ का कोर्स मेरा ऑलरेडी जो पिछले महीना 5 फरवरी को लॉन्च हो चुका है, वो बहुत ही लंबा, बहुत डिटेल, बहुत अच्छा कोर्स है, उसमें ज्वाइन होना है तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सो ये कोर्स में अल्टीमेटली ये आप 1 महीने का या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके प्रोसीड टू पे करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, एक बार आपका सब्सक्रिप्शन आने के बाद आपको सर्च में जाके फिर से CAPF पेपर 2 सर्च करना है और मेरे कोर्स के नाम के सामने ज्वाइन करके ऑप्शन आ जाएगा, ये ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है तो कल सुबह 8 बजे हम लोग देख सकते हैं। अनअकैडमी का एडवांटेज ये है कि कोरोना है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हो, आपको कोई टेंशन आने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ क्लासेस आपने स्किप भी कर दिया, कुछ क्लासेस आपके गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, बॉयफ्रेंड के साथ चले गए, घर वालों ने बुला लिया, इधर दादी के पास नानी के पास चले गए, छूट गए हैं कुछ क्लासेस, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो क्लासेस भी आपको अनअकैडमी पे वैसे ही अवेलेबल रहते हैं, मोबाइल से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। इसमें नोट्स भी मिलेंगे, ये बायलिंगुअल कोर्स है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स इसके इंग्लिश में रहेंगे लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, क्योंकि UPSC आपको सिर्फ निबंध हिंदी में लिखने का ऑप्शन देता है, बाकी सब कुछ आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और इसके साथ साथ आपको ग्रामर भी मिलेगा, ग्रामर आपको दूसरे कोर्स में मिलेगा, लेकिन इसके लिए ग्रामर के लिए भी आपको अलग से पे करने का जरूरत नहीं है। यही इसी के साथ साथ आपको ग्रामर भी मिलेगा, कल मैं मेरे क्लास में बता दूंगा आपको ग्रामर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है और 1 मंथ का या फिर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड यूज करना है प्रशांत YT10, पेमेंट करना है और सर्च में जाके आपको CAPF पेपर 2 सर्च करना है, मेरे कोर्स के जाके ज्वाइन बोलना है। कल सुबह फिर हम लोग लाइव मिलेंगे, तो गो कोरोना, कोरोना के चलते जो प्रॉब्लम हो रहा है गो कोरोना। तो कोरोना वायरस के चलते मेरा दिल्ली में अभी टेम्पररीली बैच पोस्टपोन हो चुका है, वो 15 दिन बाद 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन ज्वाइन हो सकते हो, अगर मेरे पेपर 2 के आपको ऑनलाइन बैच में ज्वाइन होना है तो अनअकैडमी प्लस पे 17 तारीख से शुरू है। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद, स्टे सेफ, कीप योरसेल्फ सेफ, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, बाय।